जावेद, यहाँ पर एक सवाल बन रहा है जो कि ट्विटर पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। कराची किंग्स के कप्तान है बाबर आजम, जो कि हमारी नेशनल टीम के भी कप्तान हैं, और क्या ये एक तासुर दिया जा रहा है कि कराची जो है वो लड़के हार रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इससे एक परसेप्शन ये बने कि भाई वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने के बाद सारी तोपों का रुख बाबर आजम की तरफ था, उन्हें मिलाया जा रहा था विराट कोहली से भी, उनकी तुलना भी वहां पर हो रही थी कि भाई आप तो इनके बराबर हैं, ये वो हैं, एक चौका भी लग गया इसी बात पर। सो इससे बाबर आजम की इमेज को कितना फर्क पड़ेगा नेशनल टीम की कप्तानी में, उनकी टीम एक भी मैच उनकी कप्तानी में नहीं जीती। डिपेंड करता है अपने पर्सन के ऊपर, राइट। अगर आप इसको किस तरीके से लेते हैं, हालांकि आप कप्तान हैं, कप्तान बन गए तो आप तो खुश होते हैं, आप अपने ना मतलब माइंड को जो है ना उस फ्रेम ऑफ माइंड में लाते हैं कि मैं कप्तान हूँ, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से आप है ना पजल हो जाएं या आपको है ना प्रेशर आएगा, तो वो खुद ब खुद, अभी नॉट टू अर्ली, अभी तो आपने दी है। लेकिन ये परसेप्शन बनना शुरू हो गया है कि क्या बाबर आजम नेशनल टीम के कप्तानी के लायक हैं इस वक्त जो टीम है ना, अभी तक टीम बड़ी मुझे लग रही, बिखरी भी लग रही, बहुत ज्यादा बिखरी भी, नहीं ना, हर आदमी को पता नहीं कौन ये है, राइट। वो टाइम आता है ना जब आपकी टीम पता चले हम 11 खेले और 11 परफॉर्म किए और जीत भी गए ना, वहाँ फिर है ना पता चलता है कि किस तरीके से किस हर एक में, अभी क्या हर आदमी अपनी जान बचा रहा है, ऐसा टाइम आता है परफॉर्म नहीं करते टीम में तो हर प्लेयर जो है ना अपने ऊपर पजल हो जाता है, वो दूसरी चीजें छोड़ देता है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर थोड़ी क्रिकेट जब खेले होते हैं ना फिर वो यूज टू होता है, उन्हें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। अब इनको ये है कि इनके साथ कोई ऐसे सीनियर हो टीम के साथ जो इनको लेक्चर दें, मोरल मूवी दिखलाए, जो जिसमें जो चीज आप चाहते हैं उस टाइप का है ना गेम डेफिनेटली हुआ होता है, वो दिखलाएं बच्चों को, देखो यहाँ ये होता है, मगर देखो एंड में जाके भी जीत जाते हैं इस तरीके से, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।